Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories near old auto office Mahabub Nagar. मैं खालिदा परवीन, सोशल एक्टिविस्ट हैदराबाद से। आज यहाँ महबूब नगर में इंटरनेशनल वुमेंस डे के सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद वुमेंस विंग की तरफ से एक सेलिब्रेशन हो रहा है। इसके अंदर मुझे मदद किया गया है। यहाँ पर हम आकर मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए पैगाम ये दे रहे हैं कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा, आज ख़ास इसके याद दहाने की क्या ज़रूरत है, इसके ज़रिए वुमेंस का अचीवमेंट क्या हुआ था लास्ट ईयर तक, अब ये आगे चल के हमको कहाँ तक चलना है और हमारे अपना रोल कैसा अदा करना है। जहाँ हम राइट्स की बात करते हैं तो अपने ड्यूटीज़ कैसे होते हैं और मौजूदा हालात में हम अपने आप को कैसा एम्पावर करना है, किस तरह बात रखना है, किस तरह एहतजाज करना है, किस तरह सवाल करना है, चाहे वो सरकार से हो या किसी और से हो, ये तमाम चीज़ों पर जो है एम्पावर करने के सिलसिले में आज एक बेहतरीन मौका है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के ज़रिए और आज मौजूदा हालत देश की जो हालत है उसका भी हल्का सा एक नक्शा खींचा जाएगा जिसके अंदर ख़वातीन का क्या रोल होना चाहिए। जैसे शाहीन बाग में ख़वातीन बैठी हैं और वो साइलेंटली बिल्कुल पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रही हैं, उसका नतीजा बिल्कुल समाज पे पड़ा, पूरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पड़ा है। तो ये ख़वातीन, अगर मुसलमान ख़वातीन भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकती है। उसके अंदर के अपने अंदर की कैपेसिटी समझने की ज़रूरत है, उस कैपेसिटी के मुताबिक हम सवाल भी करना, जवाब भी तलब करना, खुद अपने आप को एम्पावर करने का ये इत्मीनान भी हमको होता है और हमारे बच्चों को भी इस तरह ब्रोटअप करने की ज़रूरत है। तो ख़वातीन आज बाहर आने की ज़रूरत है, माशरे को समझने की ज़रूरत है, दूसरों को समझाने की ज़रूरत है और अपने हकूक़ को मनवाने की ज़रूरत है। ये तमाम पैगाम देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जो दिल्ली में या नॉर्थ ईस्ट में जो वुमेंस बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वो असर देखने को नहीं हो रहा, इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न यही है, तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना पुलिस बहुत स्ट्रांगली इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में आप लोग सुनेंगे, कई दफ़ा हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, मुझे तो 3 बार डिटेन किया गया, केसेस लगाए हैं और हमारा FIR दर्ज हुआ। तीसरा, हम पुलिस से डराने की कोशिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद प्रोटेस्ट चल रहे हैं, छोटे मोटे और बड़े बड़े रैली तो निकले, आपको भी मालूम है, लेकिन वो शाहीन बाग जैसा बाग बनाने की हम बहुत कोशिश करें लेकिन नाकाम हुए हैं। निज़ामबाद में एक बाग बना है, वो सक्सेसफुल चल रहा है, लेकिन वहाँ पर निज़ामबाद में जो बाग बना उसको भी हटाने की कोशिश करें, फिर हम जाके संभाल लिए उसको वहाँ पर जाके ख़वातीन, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो कहीं ट्रैफिक के जाम का कोई मामला नहीं है और कोई किसी की डिस्टर्बेंस नहीं है, ना ख़वातीन वहाँ पर कोई नारेबाजी करती हैं, कुछ भी नहीं है। तो आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट को या पुलिस को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो राइट है हमारा कि हम साइलेंट तरीके से अपने नाराज़गी का इजहार करना, तो ख़वातीन एक जगह नाराज़गी का इजहार करना उनके राइट है, राइट के एक्सेस करने के लिए उनको होना चाहिए, हम मनवा के आए हैं। एक तो तेलंगाना गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग NPR को रोकेंगे, फिर बैकग्राउंड में इसका प्रोसेस स्टार्ट, कल ही KCR साहब बोल रहे, सुने थे, मेरे पास भी मेरा अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ये तो बहुत लोग खुश हो गए, किसी के पास जिसके पास नहीं सबके पास, सभी लोग खुश हो गए, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि हम इसको जो है ना रोल बैक करेंगे, वापस ख़त्म कर देंगे, ऐसी बात है, चर्चा चल रहा है, मतलब हमारा डिस्कशन चल रहा है, हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, पास होने में ही है, देखेंगे आगे चल के क्या होता कैसा होता, उसके हिसाब से अपना रिएक्शन रहेगा इंशाल्लाह। तो आज मैसेज दे के जाऊँगी ना, यहाँ पर मैसेज यही दूँगी कि सब ख़वातीन जैसा हम भी हैं, दिल्ली में ख़वातीन कोई अलग नहीं है, यहाँ के ख़वातीन कुछ अलग नहीं है, इन लोगों को अभी इस मौके पे उनके अपनी जिम्मेदारी को समझा जाए, फिर ख़वातीन के अंदर की पावर को समझा दिया जाए और डेमोक्रेटिक तरीके से हमारा राइट क्या बनता है एहतजाज करने का वो बता दिया जाए और लीगैलिटी क्या हो सकती है वो बता दिया जाए, अपने लिमिट्स के अंदर रहकर हम अपने साइलेंटली अपने बात को कैसा मनवा दिए समझाने के बाद ख़वातीन एम्पावर हो जाएंगे इंशाल्लाह। शताब्दी टाउनशिप की एक और नई पेशकश, सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड लग्जरी गेटेड कम्युनिटी केशमपेट, DTCP अप्रूव लेआउट के साथ 500 फीट रीजनल रिंग रोड से लगा हुआ माचरला फार्मासिटी के करीब, तमाम डेवलपमेंट्स के साथ 3700 में 1 गज 147 गज के प्लॉट्स भी दस्तियाब हैं। सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड टाउनशिप मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब, सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है।
आज ही तशरीफ लाइए और सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड प्रोजेक्ट से फायदा उठाइए।